ये है वक्त मीडिया पे। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में जश्ने अदब ने अपने फिफ्थ इंटरनेशनल पोएट्री फेस्टिवल 2016 का किया इनॉग्रेशन। जश्ने अदब ने ये शाम डेडिकेट की थी पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता अफसाना निगार अदीब शायर मरहूम इंतजार हुसैन साहब के नाम। इस मौके पर पाकिस्तान की आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत जनाब अनवर मकसूद साहब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्स होम सेक्रेटरी जनाब अनिल बेजल साहब, मशहूर शायर जनाब प्रोफेसर शमीम हनफी साहब और जनाब शाहिद मेहदी साहब ने मरहूम इंतज़ार हुसैन को अपनी खराज अकीदत पेश की, साथ ही उनकी ज़िंदगी पर रोशनी भी डाली। इसके साथ ही जश्न अदब का इन सभी साहिबान ने शुक्रिया अदा किया इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इस मौके पर जश्न अदब ने पाकिस्तान की आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत मोहतरम जनाब अनवर मकसूद साहब, जो ड्रामा निगार भी हैं, गीतकार भी हैं, तंज निगार भी हैं, पेंटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और खूबसूरत शायर भी हैं, क्या क्या उनके पास फ़न है ये पूरी दुनिया जानती है। जी हाँ, जश्न अदब ने उनकी खदमात को देखते हुए पासबान अदब 2012 अवार्ड से उन्हें नवाजा। 2012 में वो किसी वजह से हिंदुस्तान पहुँच नहीं सके थे, तो ये अवार्ड अब उनको दिया गया। बहुत अच्छे शायर हैं, कोई तो अपने घर का मुशायरा है, यहाँ कोई गैर नहीं है। फैज़ साहब ने मरने से पहले एक छोटी सी नज़म लिखी थी, वो मेरे ख्याल में फैज़ साहब की ज़िंदगी का सबसे अच्छा सरमाया हम छोड़ गए हमारे ऊपर। बहुत छोटी नज़म है। मेरी तेरी निगाह में जो लाख इंतज़ार है, जो मेरे तेरे तन बदन में लाख दिल फिगार है, जो मेरी तेरी उंगलियों की बेहिसी से सब कलम नजार है, जो मेरे तेरे शहर की हर एक गली में मेरे तेरे नक्शे पा के बेनिशां मजार है, जो मेरी तेरी रात के सितारे जख्म जख्म हैं, जो मेरी तेरी सुबह के गुलाब चाक चाक हैं, ये जख्म सारे बेदवा, ये चाक सारे बेरफू, किसी पे राख चांद की, किसी पे उसका लहू, यह है भी या नहीं बता, यह है कि महज जाल है मेरे तुम्हारे अनकबूते वहम का बुना हुआ। मकड़ी का जाला अनकबूत, मेरे तुम्हारे अनकबूते वहम का बुना हुआ, जो है तो इसका क्या करें, नहीं है तो भी क्या करें, बता पता पता। फैज़ साहब की आखिरी रज़ू में से, हम लोग कराची से आए, कराची के हालात जो हैं जिस तरह के भी हैं, उसमें ज़रा निगाह की एक नज़म है छोटी सी। सुबह दम जो देखा था क्या हरा भरा घर था, डांटती हुई बीवी, भागते हुए बच्चे, रस्सियों की बाहों में झूलते हुए कपड़े, बोलते हुए बर्तन, जागते हुए चूल्हे, मुर्गियों के डरबे थे, काबुकें थी, पिंजरा था, दूर एक कोने में साइकिल का पहिया था, 20 गज के आंगन में सभी कुछ तो रखा था। एक पल में ये मंजर क्या बदल सजाता है, कुछ नजर नहीं आता, बोलता है सन्नाटा, हाँ मगर अंधेरे में कुछ दिखाई देता है, जानमास का कोना झाड़ियों में अटका है, सफ़े कलामे पाक खाक पर लरसता है। एम्बुलेंस ईदी की बैन करती आती है, अंधेरे में वहाँ एक ही आवाज़ आती है, एम्बुलेंस ईदी की बैन करती आती है, सब जली कटी लाशें साथ लेके जाती है, सुबह तक सभी लाशें दफन कर दी जाती हैं, औरतों की, बच्चों की, बूढ़ों और जवानों की, मस्जिदों से होती हैं बारिशें अजानों की, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्स होम सेक्रेटरी जनाब अनिल बेजल साहब ने
कुछ इस तरह से अपनी बात रखी। यह फेस्टिवल मरहूम जनाब इंतजार हुसैन साहब जैसी शख्सियत की याददाश्त में हो रहा है, जो उर्दू नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज, पोएट्री और फिक्शन लिखने में सारी दुनिया की एक लीडिंग लिटरेरी फिगर माने जाते थे। मेरी निगाह में जश्न अदब का यह इनिशिएटिव बहुत काबिल तारीफ है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान से तशरीफ लाए पाकिस्तान की आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत जनाब अनवर मकसूद साहब ने अपनी तकरीर में कुछ इस तरह से अपनी बात रखी। अब भारत में भी, जहां तक अदब का ताल्लुक है, भारत में भी चंद अदीब रह गए, जिनमें एक हैं गोपी चंद, एक चंद और हैं, वो हैं ज्ञान चंद, वो मुल्क से बाहर है, और फारूकी साहब हैं, उनका रिसर्च का काम कई चांद थे सरे आसमां। इतनी अच्छी किताब मैंने मुद्दतों बाद पढ़ी है, और आप लोग खुशनसीब हैं कि वो आपके साथ रहते हैं। गोपी चंद साहब का साया बहुत है, और ये प्रोग्राम के ये मतलब ये महफिल नहीं है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है उस प्रोग्राम का जो रंजीत करने जा रहे हैं। जश्ने अदब के सेक्रेटरी हैं कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब, खूबसूरत शायर और आईटी प्रोफेशनल, जिनकी काविशों से जश्ने अदब अदबी हलकों में तेजी से फेमस होता जा रहा है, और कुछ ही सालों में जश्ने अदब ने अदबी हलकों में अपना अलग मकाम बना लिया है। जश्ने अदब के प्रेसिडेंट हैं मुंबई के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस जनाब कैसर खालिद साहब, जो एक खूबसूरत शायर भी हैं। जश्ने अदब के वाइस प्रेसिडेंट हैं जनाब डॉक्टर अजय शर्मा साहब। ये सभी हजरात उन सभी दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं जो जश्ने अदब को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। कैमरा पर्सन हसन के साथ शफी खान, वक्त मीडिया के लिए।